तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप बच्चों को इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में डिटेल में आपको करवाया था। इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाएंगे एक्सेप्शंस केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स नहीं होती है और ना ही डाउनवर्ड होती है। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने समझा था कि कुछ केस जो नॉर्मल केस होता है उसमें इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, इस तरीके का, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड होता है और दूसरा डाउनवर्ड होने के अलावा ये कॉन्वेक्स होता है, यानी कि इसका जो पेट है वो अंदर की तरफ होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन परिस्थितियों के बारे में जिसमें इस तरीके की शेप नहीं होती है। तो बच्चों, दो से बहुत पॉपुलर है, जिसमें से एक शेप होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, और एक गुड्स एक ये वाली है जिसको हम कहते हैं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। तो आमतौर पर बच्चों यही आपसे पूछा जाता है, लेकिन एडवांस लेवल पे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको और भी शेप के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, यानी कि इस तरीके की शेप कैसी होती है, इस तरीके की शेप कब बनती है, सब कुछ के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो बच्चों, अगर आपने आप चाहते हैं हमारा पूरा कोर्स एक्सेस करना तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सिस्टमेटिकल तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में अब हमने डाउनलोड किया, अब आप हमारा जो एप्लीकेशन उसमें 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा। स्टडी मटेरियल के अंदर जो हमने इस नोट्स को अपलोड करना कर रहे हैं, मतलब आप वहां से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ, टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम एक्सेप्शन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसमें से पहला है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक्स गुड्स और वाई गुड्स, दो गुड्स हम लेके चल रहे हैं, तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स तब कहलाएंगी जब हम आपको एक्स को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो फॉल करेगी, लेकिन इस केस में क्योंकि एक्स और वाई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, इसलिए अगर हम एक्स को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि हम एक ऐसी कंडीशन मान के चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में हमने क्या किया, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक है, और हमने क्या किया, एक 500 ml की बोतल खरीदी और एक 1 लीटर की बोतल खरीदी। तो आपके लिए एक ग्लास की यूटिलिटी, चाहे वो 500 ml से आप एक ग्लास बनाओ, चाहे आप 1 लीटर से एक ग्लास बनाओ, आपके लिए दोनों की यूटिलिटी जो है एक ग्लास की वो बराबर बराबर होगी। इसीलिए इस केस में जब एक गुड्स सेम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, यानी कि आपकी जो वांट्स है, चाहे आप 500 लीटर की कोल्ड ड्रिंक से बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए या 1 लीटर की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसीलिए इस तरीके के केस में आपकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझाता हूं पूरी तरीके से इसका क्या मतलब है। बच्चों, यहां पे समझा देता हूं बिल्कुल आसानी से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स गुड्स है और ये हमारी वाई गुड्स है। हम मान लेते हैं हमारे पास में 10y है, 1x और 10y है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है 1y, 1x और 10y। अब मान लीजिए कि हमारे लिए एक x जो है वो 2y के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक और x बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 2y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा हमें वो ये वाला मिलेगा। इसका मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, टेक्निकली अगर हम कोई और गुड्स की बात करते तो इस केस में अब हम x गुड्स की सेम क्वांटिटी के लिए y गुड्स की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते, क्योंकि अब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो चुका है। लेकिन अब के केस में क्या होगा, क्योंकि x और y आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब एक और x के लिए
हम दो ही वाई का सेक्रीफाइस करेंगे, ये इसका मतलब है। और जब इस तरीके का बनाएंगे तो हमारा जो डायग्राम की शेप बनेगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा, इस तरीके का इंडिफरेंस कर बनेगा। यानी कि इस तरीके का इंडिफरेंस कर बताता है कि अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो आप सेम अमाउंट में वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करोगे, यानी कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक बात आपको ये याद रखनी है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। When two goods are perfectly substitute of each other, their indifference curve will be straight line sloping downward from left to right. MRS, marginal rate of substitution, in such case constant, यानी कि इस केस में x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया, फिर एक और x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है, एंड कंज्यूमर विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस इक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड्स y फॉर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स x, यानी कि x और y के लिए इक्वल अमाउंट देने को तैयार होता है। हालांकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये हायर इंडिफरेंस कर्व को दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये वाला जैसे एक तो ये हो गया, लेकिन अगर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर पे चला जाएगा। तो बच्चों बेसिकली बात याद रखनी है। इसके अलावा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इन्फिनिटी होती है। बच्चों ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो ये देख लें, बाकी का जो बेसिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि यूजी लेवल पे तो हम ये वीडियो मतलब ये वाला कंटेंट नहीं डालेंगे, लेकिन पीजी लेवल पे या हायर लेवल पे अगर आप हो तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो, जिसमें हमने ये समझाया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी कैसे होती है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इसमें इंडिफरेंस करके इस तरीके का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो मिलकर किसी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं तो लेफ्ट शूज और राइट शूज, दो शूज है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास दो लेफ्ट पैर के शूज है और एक राइट पैर का शूज है, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक लेफ्ट पैर का शू है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा, वो किसी भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए ये हमारा राइट पैर शूज है, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, राइट लेग शू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट लेफ्ट लेग शू, ठीक है। तो हमने लेफ्ट राइट लेग और लेफ्ट लेग के लिख लिया, तो यानी कि मान लीजिए हमारी एक है राइट लेग शू और एक है हमारा लेफ्ट लेग शू, ये एक एक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो राइट लेग शू हो जाएं और लेफ्ट लेग शू हो जाए और राइट का एक ही रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, हम उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये तीन हो जाए, मान लीजिए ये दो हो जाए और ये एक ही रहे, तो भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एंगल बना लेगा, यानी कि ये जो कोने वाला है इस कोने पर जो पॉइंट होगा जितना सेटिस्फेक्शन वो देगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ये देगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ये देगा। इसका मतलब क्योंकि ए बी और सी बराबर बराबर है, लेकिन ये इस शेप में है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ए का यूज करता है और वो लेफ्ट के राइट के दो शूज के पास आ जाते हैं तो भी उसका सेटिस्फेक्शन वही रहेगा जो एक पैर के शूज के मतलब एक 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 लेफ्ट और एक राइट पैर के शू पे होता। हाँ, हालांकि अगर दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्योंकि ये गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब इनका फिक्स प्रपोर्शन में ही यूज होता है। इसी की वजह से इस वाले केस में अगर आप एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो और दूसरे की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हो तो जिस गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाई गई है वो व्यर्थ चली जाएगी, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए दो ही क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जो शेप बनती है वो एल शेप की बनती है। और यहां पे जो कोना है इसको बोलते हैं किंग्ड शेप का होता है, इसलिए जब हम इक्विलिब्रियम लेवल आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का इंडिफरेंस करके इसमें इक्विलिब्रियम बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं। देखिए चलिए मैं इस वाले पे आप वापस आ रहे थे, हम इस वाले पे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की शेप क्यों बनी है, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो पॉइंट है दिस वन
दिस वन, ये आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर पहुंच जाओ ये वाला लेवल पे, तो आपको दोनों के ग्रुप्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक ग्रुप्स की क्वांटिटी बढ़ाने से आपका काम चलेगा नहीं। एक्सप्लेन बच्चों हमने किया हुआ है, हमारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा।